नमस्कार, मैं बॉबी जिमेनेस, न्यूजीलैंड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यूपी बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिए कार्यवाही के आदेश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के अब भी अस्पताल में भर्ती है। यह घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज में की है। यह एक सरकारी ठेका है जहां से सोमवार को लोगों ने शराब खरीद कर पिया। शराब पीते ही अचानक लोगों को दिखना बंद हो गया और देर रात में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से मरने वाले 8 लोगों में 4 एक ही परिवार के थे। इस घटना में 3 भाई रमेश, गौतम, मुकेश, सोनू और उसके पिता छोटे लाल की मौत हो गई। इस घटना से यह सूचना मिली है कि रामनगर में 8 लोगों की मौत हुई है। आज 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक की मौत हो गई है। बेगूसराय मुस्लिम युवक को नाम पूछकर गोली मारी। बिहार के बेगूसराय में एक मुस्लिम युवक को नाम पूछकर गोली मारने की वारदात सामने आई है। गोली लगने से घायल हुए शख्स का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवक वीडियो में अपने साथ हुई पूरी वारदात के बारे में बता रहा है। इस युवक का नाम काशिम है। इस वीडियो को AIMIM चीफ अजुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है। काशिम ने अपना नाम बताकर अपनी जिंदगी लगभग खो दी थी, लेकिन ये सच है कि मैं डर रहा हूँ। ये पागलपन कहाँ से आता है? ऊपर से बीजेपी के नेतृत्व में हमें लगातार पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है। हम उनकी नजर में मानवीय नहीं है, हम निशाने पर है। कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट कर कहा कि बेगूसराय में एक मुस्लिम फेरी वाले को पाकिस्तान जाने की बात कहते हुए गोली मार दी गई। इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे तमाम नेता व उनके राग दरबारी दोषी है, जो दिन रात सियासी फायदों के लिए नफरत फैलाते। अपराधियों को सजा दिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गुजरात में अल्पेश ठाकुर बोले, 15 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार। आम चुनाव 2019 में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस चुनाव में वो कौन सा शख्स है जिसकी वजह से पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के सभी जुड़े हरे अल्पेश ठाकुर से सनसनीखेज दावा किया है। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, ऐसा लग रहा है कि वो जनता के साथ साथ खुद को भी न्याय नहीं कर रहे थे। अल्पेश ठाकुर ने सोमवार को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अल्पेश ठाकुर ने कहा कि वो अपने इलाके में पानी की समस्या को लेकर मिले थे। ये बात अलग है कि आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इंतजार करिए और देखिए कि आगे क्या होता है। कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, हर कोई मुश्किल में है। सच तो ये है कि आधा से अधिक विधायक अपसेट है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।